वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज जलपल्ली पे और बहुत ही शानदार यहाँ पर एक डॉबरमैन है और एक ग्रेट डेन का पपी है, तो दोनों बतलाऊंगा। हमें वीडियो लास्ट तक देखिए, यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई एड्रेस कहाँ पर है जलपल्ली? जलपल्ली बम्बई कॉलोनी। बम्बई कॉलोनी। और अभी आपके पास ये एक डॉबरमैन है और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है आपके साथ। ये सबके साथ ही फ्रेंडली है? जी हाँ, सबके साथ फ्रेंडली। और क्या एज है इसकी? ये 13 मंथ्स की। 13 मंथ्स ओल्ड है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और एकदम कंडीशन में देखिए, शाइनिंग वगैरह, टेल कट करी हुई है इसकी। प्योर डॉबरमैन है। फीमेल है? फीमेल। ऑलरेडी लिटर्ड है? जी हाँ लिटर्ड है। कितने टाइम लिटर्ड है? एक बार लिटर्ड हुई। एक बार लिटर्ड हुई हुई। कितने पपीज दी थी फर्स्ट टाइम में? 8 पपीज। ओके, अभी मेटिंग हुई हुई है? खाली है। खाली है, खाली है अभी। ठीक है, क्या प्राइस रख रहे हैं इसका सिंगा? 35,000 आसिंग प्राइस। नेगोशिएबल रहेगा? नेगोशिएबल भी है। ठीक, इसके बाद में आपके पास ग्रेट डेन का एक पपी है। ओके, देखिए एग्रेसिव नहीं है, सिर्फ एक जानवर का लगाव होता ओनर के साथ में। आप देखिए बिल्कुल खेलते करते, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली। और शेप वगैरह देख सकते हैं आप इसका, प्योर डॉबरमैन है। फीमेल है और ओनली 13 मंथ्स ओल्ड है। ऑलरेडी लिटर्ड भी है, अभी खाली है। किसी को अगर चाहिए तो आप लोग लेके मीटिंग वगैरह भी करवा ले सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा है वो देख लेंगे। ये एक आपके पास ग्रेट डेन का पपी है, ये मेल है या फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। ये जो फीमेल पपी है कितने डेज ओल्ड है? 3.5 महीने की। 3.5 महीने की है। ओके, और ये कुछ लाइन वगैरह की है, यानी चिप वगैरह है? नहीं, लाइन की नहीं है। ग्रेडेन फीमेल है। क्या प्राइस है इसका? इसका 25,000 का पापा। इसका भी 25,000 आसिंग प्राइस है। इसकी खासियत क्या है ये जो ब्रीड है? ये इसकी हाइट लंबी होती है, अगर इसका काना क्रॉपिंग कराए तो काना खड़े होते हैं। कान क्रॉप कराए बाद में कान खड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हाइट होती है। क्योंकि ग्रेट डेन एक ऐसी ब्रीड है जो बहुत ज्यादा हाइटेड रहती है, लेंथ बहुत ज्यादा रहती है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ट्रेन है देखिए, यानी कोई बार्किंग वगैरह नहीं है इसके अंदर, अभी पपी है छोटी। 25,000 इसका भी आसिंग प्राइस है। आप डॉबरमैन लीजिए या फिर ग्रेट डेन पपी लीजिए, यहाँ से दोनों भी ईच वन 25,000 है, तो दोनों भी नेगोशिएबल है। वो 35 है। ओके, अच्छा डॉबरमैन 35,000 है और ये 25,000 है, दोनों भी स्लाइटली नेगोशिएबल रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास अवेलेबल? ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो किसी को चाहिए तो यहीं आके देख के लाना। वैसे हर ट्रेन के अंदर डॉग बॉक्स होता, ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो आप लोग आइए, आके देख के लीजिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस बतलाऊंगा मैं आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।